पी टी थ्री सिक्सटी फाइव एनवामेंट क्लास ट्वेल्व क्विज चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कब बनी थी 1972 में हेड क्वार्टर टोक्यो जापान में है क्या इंडिया में कैंपस है इसका कोई भी नहीं बहुत सारी कंट्रीज में कैंपस हैं बट इंडिया में एक भी कैंपस नहीं है इसलिए ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 कहता है कि शिप्स की रिसाइकलिंग सिर्फ ऑथराइज्ड फैसिलिटीज में ही हो सकती है एंड रिसाइकलिंग से पहले हॉन्गकॉन्ग कन्वेंशन के तहत शिप का शिप के पास रेडी फॉर रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2022 में अमेंडमेंट्स करी गई हैं पहले इसमें छः स्केड्यूल होते थे अब सिर्फ चार स्केड्यूल्स हैं पहले कंजर्वेशन रिजर्व को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती थी अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और ये एक्ट एलिफेंट्स को रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रांसपोर्ट करना अलाउ करता है फ्रूट राइपनिंग के टॉपिक में हमने एसिटेलाइन गैस का पीवाईक्यू देखा था एसिटेलाइन गैस इज़ यूज इन वेल्डिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक है ये प्लास्टिक्स को बनाने के काम आती है ये भी ठीक है एप्लीकेशन जनरली ठीक की होती हैं ये सिलिकन कार्बाइड से बनती है नहीं ये कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के मिक्सचर से बनती है परिस्थितियां आपके कितनी भी विपरीत चली जाएं, अपना मेंटल स्टेट हमेशा पॉजिटिव रखो क्योंकि एक नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव लाइफ कभी नहीं मिल सकती आपदा से डरकर हार मत मानो आपदा में अवसर ढूंढो